लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आई एम श्रेयन रॉय ऑफ क्लास 10। आई स्टडी इन सेंट्रल मिडिल स्कूल बैरकपुर कोलकाता। सर, इन द एग्जाम सीजन व्हाट स्केयर्स अस मोर इज दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर एग्जाम। What will happen if our result does not come so good? Is failure in examination is actually the failure in our life too? अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ते तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ही लोगों को दे देते। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है और शायद ऐसे सवाल बार बार उठते भी हैं और बार बार जवाब देने भी होते हैं। एक बार कहने से बात बनने वाली नहीं है। और मैं ये बात पूरे खुले मन से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सोचने का दायरा इतना सिमट गया है, परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। भारत ही नहीं, दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे लेकिन आज वो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। इस परीक्षा में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, भविष्य में आपको जिस एक चीज से आपको बचकर रहना चाहिए उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक एक नई तरह की कुरीति आ रही है समाज में जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं। मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं तो उन्हें देखकर अपना डायरेक्शन तय करना। आपका कोई रिश्तेदार कहीं जाकर सफल हुआ, आपको लगता है वहां जाकर आप भी सफल हो जाएंगे। कोई असफल हुआ तो आपको लगता है हम भी उसी फील्ड में गए तो असफल हो जाएंगे। हमें लगता है वो स्टूडेंट इस दिशा में गया, इस क्षेत्र में गया, ये बना, उस क्षेत्र में उसने ये नाम कमाया तो हम भी वही करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। इसी सोच का परिणाम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इतने तनाव में जी रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। हमें पोटेंशियल को जानने के लिए मैदान में कूदना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा।